हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे ऐसी वेबसाइट्स के बारे में जो आपको डिजाइनर रेप्लिकास सेल करती हैं। रेप्लिकास मतलब ऐसे आउटफिट्स जो कॉपी होते हैं डिजाइनर आउटफिट्स के, तो आपको बहुत लो कॉस्ट में वो मिलते हैं। और ये एक मेजर फैक्टर है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इन वेबसाइट से खरीदारी करते हैं। सो बने रहेगा इस वीडियो के एंड तक। आई थिंक आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जरूर मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो याद से इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई ऑल्सो होप आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें हमने आपके साथ लॉन्ग लेंथ जैकेट्स के स्टाइल्स को शेयर किया है। तो वो जो जैकेट्स हैं, आप अपने लहंगा, अनारकली, साड़ीज, ऑलमोस्ट हर इंडियन आउटफिट के ऊपर उसे पहन सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी, मेक श्योर आप जाके एक बार जरूर देखें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपिंदर और ये इंप्रेशंस इंडिया का सबसे पहला हिंदी में फैशन और स्टाइलिंग चैनल। तो सबसे पहले, आप में से मोस्टली लोगों ने ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी जो कि डिजाइनर रेप्लिकास सेल करती हैं। यहाँ पे आपको ऐसे लहंगास मिल जाएंगे जो कि आपको ऑलमोस्ट 1000 या बिलो 1000 की रेंज में भी मिलते हैं। यूजुअली इन वेबसाइट्स पे जो पिक्चर्स आपको ड्रेस की दिखाई जाती है वो सेलिब्रिटी पिक्चर्स होती हैं। दिखाया जाता है कि इस तरीके की साड़ी आपको मिलेगी या लहंगा आपको मिलेगा। एंड सबसे ज्यादा कैप्टिवेटिंग ये दो ही चीजें होती हैं, दो ही चीजें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। एक तो इतनी कम प्राइस, दूसरा ये कि एक सेलिब्रिटी ने उस आउटफिट को पहना है, किसी डिजाइनर ने उसे बनाया है। तो बायर के दिमाग में यही इमेज आती है कि अगर हम इतना एक्सपेंसिव आउटफिट 1000 रुपया खर्चा करके ले लेते हैं, दैट इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर अस। थोड़ा बहुत कलर ऊपर नीचे भी होगा तो हम चला लेंगे, बट दैट्स नॉट ट्रू। हमारे पास बहुत बार ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि अगर हम रेडीमेड लहंगास लेते हैं उस पर काफी एम्ब्रॉयडरी होती है एंड उनकी जो कॉस्ट है वो इतनी कम है, 1000 है, 800 है, 1200 है, और अगर हम आपसे लहंगास बना रहे हैं जो कि प्लेन फैब्रिक है, उसमें कुछ एम्ब्रॉयडरी भी नहीं है, तो उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा क्यों है? सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि ऑनलाइन वेबसाइट्स आपको हर टाइप की मिलती हैं। डिजाइनर्स की वेबसाइट्स भी होती हैं एंड रेप्लिकास की भी होती हैं। तो अगर आप रेप्लिकास के कॉस्ट देखेंगे तो वो हमेशा इतने कम होंगे, बिकॉज यही एक सेलिंग पॉइंट है उनका कि उनकी प्राइस बहुत ज्यादा कम होती है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक मंत्रा शेयर करना चाहती हूँ जो कि आपको गाइड करेगा आपकी फ्यूचर परचेजेस के लिए। वो ये है कि एक अच्छा डिजाइन अगर आप लेते हैं उसके लिए आपको एक ही बार पे करना पड़ता है, लेकिन अगर आप एक बुरा डिजाइन लेते हैं तो उसके लिए आपको मल्टीपल टाइम्स पे करना पड़ता है। अब इसको थोड़ा और इन डिटेल हम यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि आपने एक रेप्लिका क्यों खरीदा है, किन किन चीजों की वजह से हम एक रेप्लिका खरीदते हैं। सबसे पहला ये कि आपने एक सेलिब्रिटी की पिक्चर देखी और आप कंप्लीट वैसा दिखना चाहते हैं जैसे वो एक पर्टिकुलर सेलिब्रिटी दिख रही है उस आउटफिट में। सो आप में से जिन लोगों का भी एक्सपीरियंस है रेप्लिकास के साथ, यू नो वेरी वेल कि जो आउटफिट आपको मिलता है वो बिल्कुल भी आसपास भी नहीं होता ओरिजिनल पीस के। सो आपका किसी भी सेलिब्रिटी की तरह दिखने का जो पर्पस है वो यहाँ पे डिफाई हो जाता है। नेक्स्ट है कि आप अपने लिए एक एक्सपेंसिव लुक क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे एक सेलिब्रिटी एक आउटफिट में दिख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका लुक देखने में लगे कि हाँ, एक रिच लुक है, एक्सपेंसिव लुक है। यूजुअली अगर आप क्लोज फैमिली मेंबर्स की शादी में जा रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, तो वन ऑफ द बेसिक पॉइंट्स जो होते हैं लोगों के वो यही होता है कि उनका लुक एक्सपेंसिव दिखे, लगे कि उन्होंने काफी स्पेंड किया है उस पर। सो ये जो पॉइंट है, आप एक एक्सपेंसिव लुक चाहते हैं, जो रेफरेंस पिक्चर आपने देखी है उसका जो मटेरियल है, उसकी जो क्वालिटी है वो लुक दे रही है उसको, लेकिन रेप्लिकास की कॉस्ट इतनी कम होती है कि उतनी कॉस्ट में इट इज इम्पॉसिबल कि आपको एक गुड क्वालिटी फैब्रिक या एम्ब्रॉयडरी मिलेगी या फिनिशिंग्स मिलेंगी। सो डेफिनेटली वो आपको एक एक्सपेंसिव लुक नहीं देगा। सो इन रेप्लिकास पे आपने जितना भी खर्च किया है, कम खर्च किया है, वो कम्प्लीटली वर्थलेस है यहाँ पे, क्योंकि आपका ये पर्पस भी सॉल्व नहीं होता इन रेप्लिकास के साथ। तो यहाँ पे आपके लिए एक बेटर ऑप्शन ये है कि रेप्लिका पे खर्चा करने से अच्छा है कि आप वाइजली अपने लिए एक आउटफिट बनवाए जो कि कम कॉस्ट में बनेगा, लेकिन उसका जो लुक है वो एक एक्सपेंसिव लुक ही आएगा। इस पे हमारी एक इंटायर वीडियो है कि आप किस तरीके से अपने लिए कम बजट में एक्सपेंसिव लुक्स वाले आउटफिट बना सकते हैं। तो अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके जरूर देखिएगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी वहां पे। लास्ट में है वो पॉइंट जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग खरीदते हैं इसे, वो ये है कि कॉस्ट काफी कम होती है। अब ये जो वेबसाइट्स हैं ये आपको रिफंड्स या रिटर्न्स ऑफर नहीं करती, तो आपने जो चीज खरीद ली, इन आउटफिट्स के अंदर सीम अलाउंसेस नहीं होते, ये कॉस्ट बचाते हैं इस चीज से। अगर आप रेडीमेड
रेप्लिकास खरीदते हैं तो उसके अंदर बिल्कुल भी सीम अलाउंस नहीं होगा अगर आपको एक दो इंच उस आउटफिट को खोलना है अपने फिट के अकॉर्डिंग। सो जस्ट इमेजिन कि आपने उसे अभी पहना, आफ्टर सम टाइम आप उसे पहनना चाहते हैं, आपका साइज आधा इंच या एक इंच भी बढ़ गया होगा तो आप इसे दोबारा नहीं पहन पाएंगे। सो इट्स कम्प्लीटली वेस्ट फॉर यू। ये तो आपने एक दो बार पहना तब आपके साथ हो सकता है। मैक्सिमम चांसेस आर कि जब आप एक स्टिच्ड चीज को खरीदते हैं तो आपने उसे पहना, घर पे फर्स्ट ट्रायल ही किया, वो आपको फिट नहीं आया। सो अब ये आउटफिट आपके लिए कंप्लीट वेस्ट आउटफिट है। आपने अपने अकॉर्डिंगली कम स्पेंड किया है उस पे, लेकिन वो जितना भी स्पेंड किया वो टोटल वेस्ट है। सो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको सोचने चाहिए कि क्या आप एक वाइज परचेज कर रहे हैं। ये अमाउंट की बात नहीं है कि महंगा है या सस्ता है, द थिंग इज कि वो बिल्कुल वर्थलेस है, वो आपका कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं करता। इट्स जस्ट द इमेज जो आपको दिखाई जाती है जिसकी वजह से, और कॉस्ट है जिसकी वजह से आप ऐसे रेप्लिकास में अपने पैसे खर्च करते हैं। कस्टम मेड आउटफिट्स आपको पहली बार में महंगा लग सकता है, लेकिन उसके अंदर मार्जिन्स आप अपने अकॉर्डिंग रखवा सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग कोई भी फिट्स में आपको चीजें चाहिए, बैक डार्ट्स चाहिए, फ्रंट डार्ट्स चाहिए, वेस्ट फिट किस तरीके का हो, स्लीव्स किस तरीके की हो, हर चीज आप अपने अकॉर्डिंगली उसमें रखवा सकते हैं। विच इज वाई कस्टम मेड एक्सपेंसिव पड़ता है, बिकॉज आपकी हर छोटी बड़ी चीज का वहां पे ध्यान रखा जाता है। ऑल्सो इन रेप्लिकास की केयर इंस्ट्रक्शंस सेम होती हैं एक एक्सपेंसिव आउटफिट जैसी। आपको इन्हें ड्राई क्लीन करवाना है, स्टीम आयन करवाना है। बेसिकली घर में आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना इसे डायरेक्ट आयन कर सकते हैं ना वॉश कर सकते हैं, आपको इसे ड्राई क्लीनिंग के लिए ही देना पड़ेगा। तो अगर आप इतनी केयर कर रहे हैं, उसकी स्टोरेज का इतना ख्याल रख रहे हैं, देन आई थिंक ये सब चीज, आपका जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं, जो भी केयर इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो कर रहे हैं, बेटर है कि आप एक अच्छे क्वालिटी के आउटफिट के लिए करें। बहुत से लोग इस थॉट प्रोसेस से रेप्लिकास को खरीदते हैं कि एक दो बार पहन लिया इनफ है, इसकी कीमत निकाल ली हमने एंड इससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। लेकिन क्यों आपको कुछ सौ रुपए भी खर्च करने हैं ऐसी चीज पे जो कि एक वेस्ट है। बेटर है कि आप एक साल में तीन चार रेप्लिकास खरीदने से बेहतर है कि आप अपने लिए एक अच्छा गार्मेंट बनवाएं, उस पे खर्चा करें और उसे दोबारा से रीस्टाइल करें, रीवेयर करें, जैकेट्स, श्रग्स, दुपट्टास के साथ उसे स्टाइल कर सकते हैं। आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे हर गारमेंट के बारे में कि आप उसे किस तरीके से रीस्टाइल और रीवेयर कर सकते हैं। ऑल्सो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि अगर आप अपने आउटफिट्स को रिपीट कर रहे हैं तो इसमें कोई खराब बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। आपको इस चीज के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। आप देखेंगे आपकी इस प्रैक्टिस से आपका जो साल का खर्चा आप कपड़ों पे करते हैं वो भी काफी कम हो जाएगा। सो देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ कि आपने एक ही आउटफिट दोबारा से पहना है किसी ओकेजन पे, उसे दोबारा से रीस्टाइल किया है, रीवेयर किया है। जब तक आप इस चीज को लेके कॉन्शियस फील करेंगे कि यू नो पीपल आर गोइंग टू कॉमेंट ऑन यू कि मे बी अफोर्ड नहीं कर सकते यू नो कपड़े, इसलिए एक ही को बार बार पहन रहे हैं, इस थॉट प्रोसेस से आपको कुछ भी कंसर्न नहीं होना चाहिए। अच्छे गार्मेंट्स खरीदिए, उनको रिपीट करके पहनिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। तो अब यहाँ पे आप ये सोचोगे कि हमारा खुद का डिजाइन स्टूडियो है, ऑब्वियसली हम ये बोलेंगे कि आप कस्टमाइज करवाइए इंस्टेड ऑफ बाइंग रेप्लिकास। सो लेट मी टेल यू वन थिंग हियर, बहुत से यूट्यूब चैनल्स, फैशन और स्टाइलिंग के जो भी चैनल्स हैं, उनके बहुत कम सब्सक्राइबर्स होते हैं, तभी उन्हें ये रेप्लिका वेबसाइट्स अप्रोच करना शुरू कर देती हैं। दे आर पेड अ नाइस अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, जितना आई डोंट नो अबाउट अदर चैनल्स, बट हमारी एक एवरेज वीडियो उतनी अर्निंग नहीं करेगी यूट्यूब पर जितना आपको एक कोलैबोरेशन से मिल जाता है। कोलैबोरेशंस की अर्निंग्स आर ऑलवेज मोर एज कम्पेयर टू कि आप यूट्यूब से कितना कमा रहे हैं, अंडर अनलेस आपके व्यूज लैक्स में जा रहे हो या मिलियंस में जा रहे हो। बट जो कोलैबोरेशंस है, इट्स ऑलवेज अ गुड ऑप्शन टू अर्न गुड मनी। सो जैसे दूसरों को अप्रोच किया जाता है, हमें भी ये वेबसाइट्स अप्रोच करती हैं। सिर्फ हमें ये बोलना होता है कि इनका जो आउटफिट है बहुत अच्छा है, प्लीज आप खरीदिए, आपको एडिशनल डिस्काउंट्स मिलेंगे इसके साथ, एंड इन रिटर्न हमें एक अच्छा खासा अमाउंट पे कर दिया जाएगा, एंड दैट्स इट। बट फॉर द सिंपल रीजन वी फील कि अगर आप अपना 500 रुपया भी खर्चा कर रहे हैं, 200 रुपया भी खर्चा कर रहे हैं, वो एक सही जगह पे जाना चाहिए। सो वी डिडंट वांट टू प्रमोट दैट। शॉर्ट टर्म में हमारी अर्निंग्स इसमें जरूर बढ़ सकती हैं, बट इन लॉन्ग रन अगर हम इस चीज को देखें तो हम एक गलत चीज को प्रमोट कर रहे हैं जो ओवरऑल बहुत से लोगों को इफेक्ट करने वाली है। ऑल्सो हमने यहाँ पे ये नहीं कहा आपको कि आप हमसे ही कस्टम मेड आउटफिट्स बनवाएं। आपको बहुत से ऐसे स्टूडियोज मिल जाएंगे, बुटीक्स मिल जाएंगे, जहाँ पे कस्टम मेड आउटफिट्स बहुत अच्छे से बनाए जाते हैं। सिर्फ बात ही, आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, ढूंढिए अपने आसपास के एरियाज में और कस्टम मेड आउटफिट्स में ज्यादा खर्चा कीजिए एज कम्पेयर टू रेप्लिकास। हम यहाँ पे एक रेप्लिका लहंगा देख रहे हैं जो 1000 रुपए में है। आप उसकी कॉस्ट को कटिंग करके देखिए कि कितनी कॉस्ट किस चीज को गई होगी। फैब्रिक है, एम्ब्रॉयडरी है, स्टिचिंग है। स्टिचिंग में बेसिकली जो सफर
करते हैं लोग, वो लोग हैं जो बनाते हैं इन रेप्लिकास को। उनको इतनी कम अमाउंट पे की जाती है कि वो अपने घर के बेसिक खर्चे भी नहीं बना सकते। तो फास्ट फैशन के ऊपर हमारी एक वीडियो है, अगर आपको इन डिटेल जानना है कि इन लोगों के साथ किस तरीके का बर्ताव किया जाता है ताकि एक सस्ता गारमेंट आप तक पहुंचे, ट्रस्ट मी आप वापस कभी भी ऐसे गारमेंट्स में खर्चा नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा ये लोग सफर करते हैं। उसके बाद है जिस इंसान ने आपको सेल किया है, कभी कभी डायरेक्ट सेल नहीं होता, रीसेलर्स भी होते हैं, वो उनसे खरीद के एक और इंसान लेके आएगा और तब आप तक वो आउटफिट पहुंचता है। इतने सारे लोगों की कॉस्ट, इतने सारी चीजों पे खर्चा और सब मिला के सिर्फ 1000 रुपए। यू थिंक कि आपको एक लग्जरियस लुक इससे मिलेगा या फिर आपको एक अच्छा क्वालिटी आउटफिट इसमें मिलेगा इतनी कम अमाउंट में जिसमें इतने लोगों का मार्जिन है। तो जब भी आप किसी को ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हुए देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, यूजुअली आजकल सोशल मीडिया है, ये यूट्यूब पे देखेंगे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वो लोग इन आउटफिट्स को बहुत अच्छे बैकग्राउंड्स पे शूट करते हैं, बहुत अच्छा मेकअप उनका होगा, बहुत अच्छी लाइटिंग होगी, कैमराज आर ऑसम, एवरीथिंग इज परफेक्ट, परफेक्ट मेकअप, वो लुक इतना अच्छा लगेगा आपको उस पूरे सिनारियो में कि आपको लगेगा कि हाँ इट्स परफेक्ट फॉर यू। चाहे वो दिख भी नहीं रहा है ओरिजिनल रेप्लिका जैसा जिसे रेप्लिकेट किया गया है, बट आपको वो लुक इतना अच्छा लगेगा कि आप उस पर खर्चा कर देंगे। सो प्लीज ऑल दीज थिंग्स इन एडिटेड वीडियोज होंगी, एडिटेड पिक्चर्स होती हैं, तब जाके वो आपको एक लुक देखने को मिलता है। सो प्लीज यहाँ पे आपको थोड़ा वाइजली फॉलो करना पड़ेगा। आप फॉलो सबको कीजिए, हर चीज देखिए जो आपको सोशल मीडिया पे आपके सामने लेके आई जाती है, लेकिन चॉइसेस प्लीज आप वाइजली कीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताना चाहती हूँ जिसके साथ हमारा कोलैबोरेशन होने वाला था, बट एट द एंड उसके लिए मना हो गया। सो इसीलिए मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे नहीं दे सकती, बिकॉज इट्स नॉट एथिकल अगर आप किसी के साथ एक बिजनेस डील कर रहे हैं उनका नाम लेना या फिर उनको इस तरीके से एक्सपोज करना। द थिंग इज कि आपको अगर ये बात समझ आ जाती है देन आपको किसी भी नाम को जानने की जरूरत नहीं है, आप खुद पिक कर पाएंगे ऑथेंटिक वेबसाइट्स कौन सी हैं, कौन सी नहीं है। सो ये वेबसाइट एक काफी पॉपुलर वेबसाइट है और इनको काफी अवार्ड्स मिले हैं इनके काम के लिए, एंड वी आर शॉक्ड कि कैसे इनको ये अवार्ड्स दिए गए विदाउट इवन सीइंग कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या क्लेम कर रहे हैं और एक्चुअल में क्या काम कर रहे हैं। सो इनको अवार्ड्स जो मिले हैं वो इस चीज के लिए मिले हैं कि ये इंडियन टेक्सटाइल की जो हेरिटेज है उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड या ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये लोग ये क्लेम करते हैं कि ये हैंड क्राफ्टेड, हैंडमेड फैब्रिक्स, हैंडलूम फैब्रिक्स हैं जो इंडिया के इंडियन की वीविंग टेक्निक है, हम लोगों की बनारसी साड़ीज जो बनती हैं, और या हमारे पास इकट के फैब्रिक्स हैं, हर टाइप की पटोला हमारी एक टेक्निक है, ऑल टाइप ऑफ वीविंग डाइड टेक्निक्स की जो चीजें हैं वो हैंड क्राफ्टेड चीजों में आती हैं। बट इन रियालिटी इनमें से कुछ सेल नहीं कर रहे, ये सिंपल मशीन मेड फैब्रिक्स को सेल कर रहे हैं, मशीन प्रिंटेड फैब्रिक्स को सेल कर रहे हैं, लेकिन कैटेगरी इनकी यही है कि इंडियन हैंड क्राफ्टेड फैब्रिक्स है। नाउ द थिंग हियर इज कि इनका मोस्टली जो क्लाइंट है इंडिया में भी ये लोग सेल करते हैं एंड फॉरेन में भी सेल करते हैं। फॉरनर्स डजंट नो, जो लोग इनसे खरीद रहे हैं, कि हमारे एक्चुअल जो पुरानी टेक्सटाइल्स हैं वो किस तरीके के फैब्रिक्स हैं। उनका एक मेजर प्रोजेक्ट जिसके बारे में दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट और उनकी वेबसाइट पे भी डिस्प्लेड है, वो ये है कि एक फॉरेन के क्लाइंट ने उनके गार्मेंट्स खरीद के, उनके फैब्रिक्स खरीद के, उसके प्रोडक्ट्स बना के वहां पे किसी म्यूजियम में उसकी एग्जीबिशन की है, एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट। द थिंग हियर इज इट्स अ वेरी प्राउड थिंग कि एक इंडियन ब्रांड वहां तक पहुंचा है, बट द सैड थिंग इज कि ये वेबसाइट एक फॉल्स इन्फ्लुएंस बना रही है फॉरेन कंट्रीज में। वो लोग सोचेंगे कि हमारा रिचेस्ट फैब्रिक यही है जो कि मशीन पे बना है, जिसकी प्रिंटिंग मशीन पे हुई है, जिसमें कोई हैंडमेड टेक्निक नहीं है, सालों की प्रिसिशन उसको बनाने में नहीं लगी, किसी कारीगर ने उस पर काम नहीं किया। दे विल थिंक कि हमारा रिचेस्ट टेक्सटाइल यही है, विच इज अ वेरी सैड थिंग। सो ये जो वेबसाइट है, एंड जब हमें कोलैबोरेशन का ऑफर आया, हमने इनका नाम सुना हुआ है, वी वर वेरी एक्साइटेड विदाउट इवन सीइंग कि वो लोग क्या कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हमने डिजाइन उनको डिपॉजिट किए। हमारा उनके साथ इस तरीके का कोलैबोरेशन था कि उनके फैब्रिक्स यूज करके हमने गारमेंट्स बनाने हैं। सो आफ्टर डिपॉजिटिंग द डिजाइन हम लोगों ने उनकी वेबसाइट को और ज्यादा एक्सप्लोर करना शुरू किया, एंड वी फाउंड आउट कि 90% से ज्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब मशीन मेड प्रोडक्ट्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडियन हेरिटेज के कोई प्रोडक्ट्स हैं उसमें। सो वी डिसाइडेड कि हम लोग इस कोलैबोरेशन के लिए मना कर देंगे। और जो दूसरा रीजन था इस कोलैबोरेशन को एंड करने का, वो ये था कि द वेबसाइट वॉज नॉट रेडी, उनके जो ओनर्स थे वो इस चीज को लेकर रेडी नहीं थे कि वो हमें डिजाइन के लिए क्रेडिट्स दें। ऑल दे वांटेड वाज कि हम उन्हें डिजाइन सबमिट करें और वो जो क्रेडिट्स हैं डिजाइन के कि किसने डिजाइन किया है वो खुद को देंगे, अपनी वेबसाइट को देंगे, अपनी कंपनी को देंगे।
सो ओवरऑल हमारे लिए कहीं पे कुछ फायदा नहीं था इस कोलैबोरेशन में, दैट्स व्हाई वी डिनाइड इट। सो इस तरीके की वेबसाइट्स आपको ऑल ओवर द इंटरनेट मिलेंगी जो आपको फेक प्रोडक्ट्स दे रही हैं, फेक डिस्क्रिप्शन में चीजें आपको सेल कर रहे हैं। मेक श्योर आप चीजों को और गहराई से देखना शुरू करें, देखें कि डिस्क्रिप्शंस रियल हैं या नहीं है, तभी अपना परचेज करें। सो इस वीडियो को देखने के बाद आई वॉन्ट कि ये चार पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप इनके बारे में सोचें। सबसे पहली चीज ये कि आप किसी को भी फॉलो करें, YouTube, Instagram, FB, यहाँ पे हम अपने चैनल के एग्जाम्पल लेते हैं, किसी और के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर मैं आपको एक प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, आप इस चैनल को फ्रॉम द बिगिनिंग फॉलो कर रहे हैं, आपको हमारा कॉन्टेंट अच्छा लगता है, हमारी थॉट प्रोसेस अच्छा लगता है, स्टिल आप ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। अगर मैं आपको कह रही हूँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप इसे खरीदिए, या ये भी नहीं कहती, बहुत सी चीजें हैं जिनको इनडायरेक्टली सेल किया जाता है, कहा नहीं जाता कि खरीदिए, बट वो आपको दिखाएंगे कि ये चीज अच्छी है। तो अगर मैं आपको ऐसी कोई चीज दिखा रही हूँ, आप उससे इन्फ्लुएंस होकर, सिर्फ ये सोचकर कि कैमरा पे आपको किसी ने कह दिया बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उसे मत खरीदिए। थिंक अबाउट इट, अपने लेवल पर रिसर्च कीजिए और तभी फाइनल परचेज कीजिए। सेकंड है, क्वांटिटी पे खर्चा करना बंद कीजिए, कम खरीदिए लेकिन अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट ही खरीदिए। जिस तरीके से हमारी लाइफ के हर एरिया में कुछ एथिक्स होते हैं, इसी तरीके से फैशन में भी आपको एथिकल फैशन को फॉलो करना शुरू करना होगा। ऐसी जगहों पे खर्चा कीजिए, ऐसे प्रोडक्ट्स पे खर्चा कीजिए जिनको बनाने के लिए किसी भी टाइप का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। सो ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको इजीली पता चल जाएगा अगर आप एक 200-400 रुपए में कंप्लीट कुर्ता सेट खरीद रहे हैं। ट्रस्ट मी, आप खुद इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको किसी और को आपको बताने की जरूरत नहीं है कि उसको बनाने वाले इंसान को कितना पे किया गया होगा। सो इट्स नॉट एथिकल एट ऑल। सो यू हैव टू सी फैशन चॉइसेस हैं आपकी, उन्हें भी आपको एथिकली ही करना होगा। लास्ट इज सी एवरीथिंग बट खुद डिसाइड करो। देखो हर चीज, समझो हर चीज, जानो कि आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन से नए आउटफिट्स हैं, ब्रांड्स हैं, हर टाइप के ब्रांड्स हैं, लेकिन जो चूज आपको करना है, जो सिलेक्ट आपको करना है अपने लिए, प्लीज उस चीज को वाइजली कीजिए, खुद की सोच से कीजिए। सो दैट्स इट एवरीवन, आई होप यू लाइक टुडेस वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।